वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉर्निक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने पटना हाई कोर्ट में जो नया वैकेंसी आने वाला है, प्रबंधक, निबंधक, सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, कुल 397 पोस्ट थे, उसके लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और अब उसी वीडियो के कंसर्न में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। खासकर दो प्रश्न मुख्य रूप से आ रहे हैं कि पहला, एग्जाम कब तक होगा, ठीक है ना, ये वैकेंसी कब तक आएगा, और दूसरा, जो मेंस का क्वेश्चन है वो कहाँ अवेलेबल होगा और उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। ये दोनों प्रश्न मुख्य रूप से कई विद्यार्थियों द्वारा रेगुलरली पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि एग्जाम का फॉर्म का फिलअप का डेट कब से आएगा, यानी कि फॉर्म कब से आएगा और कहाँ आएगा, साथ साथ में इसका क्या क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में मैं इन दोनों प्रश्नों का बिल्कुल माकूल जवाब देने वाला हूँ कि कब तक ये वैकेंसी आएगा, अप्लाई डेट कब से चालू होगा और साथ ही साथ मेंस का क्वेश्चन क्या होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम मोबाइल के ब्राउज़र में आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए। और जब इसका आपको पटना हाईकोर्ट का खुलेगा तो इसमें आपको रिक्रूटमेंट्स, देखिए तीसरे नंबर पर आ रहा है, रिक्रूटमेंट्स के सेक्शन को आप लोग को ओपन करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही एक तरीका है आपको जानने का। ये वैकेंसी जब भी आएगा तो इसी वेबसाइट पे आएगा, पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आएगा और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आ चुके हैं पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप लोगों को रेगुलरली नोटिस को चेक करना होगा। मैं कई दिनों से नोटिस को चेक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जो पटना हाईकोर्ट का जो न्यू वैकेंसी 397 पोस्ट वाला है उसका अभी तक कोई नोटिस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप देखिएगा तो पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहा है उसी के संबंध में, जो मेंस एग्जाम है और जो प्रक्रिया है उसी के संबंध में नोटिस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, नोटिस रिगार्डिंग पोस्टपॉन्टमेंट ऑफ लिमिटेड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिपार्टमेंटल। अभी डिपार्टमेंटल असिस्टेंट का पोस्ट ही चल रहा है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन चल रहा है। ये पहले आपको 25 तारीख को शेड्यूल था लेकिन वो अभी नहीं हो पाया। चलिए इसको हम लोग जरा देखते हैं, इस वैकेंसी को क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए सामने खुल रहा है इस वैकेंसी का डिटेलिंग, फिर उसका हम लोग चेक करेंगे कि क्या है। यहाँ पे देखिए, पटना हाईकोर्ट का ये नोटिस आया है, ये लिमिटेड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सेलेक्शन और अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द रूल ऑफ 7, इतना लिखा हुआ है पटना हाईकोर्ट। जो भी है इसका अपना सारा रूल रेगुलेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इन द इंफॉर्मेशन टू द ऑल कंसर्न दैट द सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है ना, सब्जेक्टिव टेस्ट मीन्स की बात की जा रही है, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2020 सैटरडे इज पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर इन व्यू ऑफ द ऑन गोइंग लॉकडाउन इफेक्टिव फ्रॉम 16/7/2020 इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर ऑर्डर डेट इतना एट होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है ना। ये 17 जुलाई का नोटिस है। आपको पता है कि अभी पटना हाईकोर्ट में जो पुराना वाला डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी है असिस्टेंट का, उसी को कंप्लीट करने के लिए सारा प्रोसेस जा रहा है और उसका आपको जो रिटर्न यानी कि मेंस होने वाला था वो 25 जुलाई को होने वाला था लेकिन उसको लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी तरह मैं लगातार जब इसको विजिट कर रहा हूँ पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट को, तो अभी जितना भी चीज़ है वो डिपार्टमेंटल असिस्टेंट एग्जामिनेशन को लेकर ही चल रहा है। मतलब कि पटना हाईकोर्ट अभी असिस्टेंट के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें बिजी है और कई अन्य एग्जाम भी ले रहा है, जैसे कि आपको कहने का मतलब है कि एडवोकेट का है, इलेक्टोरल जज का एंट्री है, उन सब का ले रहा है। लेकिन आपका कंसर्न कहाँ पर होना चाहिए, तो सीधे असिस्टेंट पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी के संबंध में देखिए, 8 जुलाई को भी एक नोटिस जारी किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको जब भी वैकेंसी आएगा तो इसी पर आएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको रेगुलरली इस सेक्शन को विजिट करना होगा, ठीक है ना। जैसे ही नोटिस कोई आता है, कोई इनपुट आता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर ही दूंगा। लेकिन बार बार जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं कि कब आएगा, कब तक आएगा, कहाँ आएगा, तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पटना हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट सेक्शन को रेगुलरली विजिट करना होगा। 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, मैक्सिमम 2 महीना, क्योंकि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो लग सकता है, उसके कारण ऐसा हुआ है कि चीज़ें अभी सामान्य नहीं है। जब तक ये अपना बैकलॉग का वैकेंसी क्लियर नहीं करेगा पटना हाईकोर्ट, तब तक नया वैकेंसी नहीं लाएगा। जब भी आएगा पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर आएगा, ठीक है ना। फिर भी 2 महीना का आप टाइम लेके चलिए अभी से। कोरोना का स्थिति यदि नॉर्मल रहा तो इसका सीधा मतलब है अक्टूबर तक आने की संभावना बनेगी, अभी से, डिपेंड्स ऑन कोरोना इफेक्ट, ठीक है ना। ये तो हो गई आपको कब तक वैकेंसी आएगा उसकी और कहाँ आएगा उसकी बात हो गई है। इनपुट जब भी आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि जो क्वेश्चंस हैं मेंस का जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने पूरे वेबसाइट को चेक किया है, मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप लोग भी खुद से चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको 2016 के बाद से जो जितने भी एग्जाम हुए असिस्टेंट के, उसके पीटी क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, जो ये
डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसका भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, देखिए नोटिस रिगार्डिंग सब्जेक्टिव टेस्ट एंड रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड हेल्ड ऑन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। अच्छा देखिए आपको मैं बता दूं कि आपका जब पीटी पास कर लीजिएगा तब आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसकी जानकारी भी मैंने अपने पहले वीडियो में दिया था, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी आपको होगा, ठीक है ना। उसको आप जब क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपको मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा है प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और उसका प्रैक्टिकल ज्ञान भी आपको उसका टेस्ट को हाई कोर्ट ही करती है, फिर आपको मेंस के लिए निकालती है। अब देखिए यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फॉर कैंडिडेट अलॉन्ग विथ क्वेश्चन एंड मॉडल एंसर ऑफ असिस्टेंट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18 जनवरी 2020। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हमने डाउनलोड करके देखा है, उसको आप लोग भी देख सकते हैं। इस तरह से कहने का ये मतलब है कि पटना हाईकोर्ट के जितने भी असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं और आफ्टर 2016 उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। अभी नेट का प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके क्वेश्चंस आप पीटी के देख सकते हैं, लेकिन मेंस का प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है ना। तो मेंस के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है तो आपको पटना विजिट करना पड़ेगा। यदि पटना में आपके कोई जान पहचान के लोग हैं तो आपको पटना ही जाना पड़ेगा, उससे पहले आपका कोई काम नहीं होने वाला मेंस के क्वेश्चन के लिए। पटना कॉलेज और पटना में जो अशोक राजपथ है उसके आसपास, पटना कॉलेज के आसपास आपको 2-3 दुकान मिल जाएंगे अपोजिट में, पटना कॉलेज के आसपास, ठीक पटना कॉलेज के अपोजिट में। वहाँ पर आप पूछिएगा कि पटना हाईकोर्ट का जो असिस्टेंट का प्रीवियस मेंस पेपर है उसका हमको चाहिए बुक, तो वो आपको जरूर अवेलेबल करवा देंगे। तो लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है तो पटना आप किसी को भेज करके मेंस का बुक वहाँ से मंगवाने की कोशिश कीजिए प्रीवियस का, उससे आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए ऑनलाइन मैंने चेक किया, कहीं पर भी इसका क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है मेंस का प्रीवियस। और प्रीवियस का क्या सिलेबस है तो मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में जो 2016 का नोटिफिकेशन है उसके आधार पर ये क्लियर किया गया है कि 50 नंबर का आपको हिंदी डिस्क्रिप्टिव और 50 नंबर का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना। और इसका सिलेबस आप मान के चलिए कि एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस होता है उसके समतुल्य होगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्थिति के लिए पटना अशोक राजपथ पटना कॉलेज के सामने वाले बुक स्टॉल के पास जाना होगा, ये इससे आपको एक बेहतर आइडिया हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे मेंस के क्वेश्चन। आइए अब इसके मेंस का सिलेबस देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं जो असिस्टेंट का रिजल्ट आया था पीटी का उसके नोटिस में आते हैं। देखिए ये 2016 में जो पीटी का रिजल्ट आया था उसी का नोटिस है, इसी में कहा गया है कि इसका जो मेंस का सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखिए इसमें स्पष्ट किया गया है, मेंस एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्ड ऑन 19/6/2016 एंड इट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स हैविंग टू पार्ट्स दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स ईच कंप्रेसिंग एसे कंप्रीहेंशन प्रोसेसिंग राइटिंग लेटर राइटिंग ETC एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स इन ईच पार्ट सेपरेटली फॉर बीइंग क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कैलकुलेटेड फॉर इंटरव्यू view would be around 2.5 times of the total vacancy available. Detailed program of the aforesaid examination will be provided shortly. Candidates are advised to keep visiting the court website for further information. देखिए स्पष्ट कर दिया गया है जो रिटन कंप्लीट करने के बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा और इसमें आपको दो पार्ट्स होंगे, 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश। इसमें आपको जो जनरल नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश के बारे में, भाषा के बारे में, उसका चेक होगा, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव भी होगा, लेटर राइटिंग होगा, ऐसे राइटिंग होगा, शुद्धता होगा, इसी चीज़ का होगा। इसमें आपको दोनों में 20-20 मार्क क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी होगा, कहने का मतलब एटलीस्ट 20 मार्क आपको हिंदी में और 20 मार्क इंग्लिश में दोनों में आपको करना जरूरी होगा, जो 50-50 के मार्क होंगे, यानी कि 100 में आपको 40-20-20 इन ईच पेपर कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी होगा करवा पाएगा, ये चीज़ कंफर्म है, क्योंकि हर जगह मैंने सेट किया है और सर्च किया है ऑनलाइन पर, आप लोगों ने भी किया होगा, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन 2009 वाला हमको मिला है जहाँ पर कि 300 मार्क का क्वेश्चन था, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं, तो वहाँ से भी आपको बेहतर जानकारी मिलती है। तो देखिए हम लोग के सामने ये पटना हाईकोर्ट एग्जामिनेशन 2009 मेंस का एक पेपर है, इसमें इंग्लिश का हम लोग पेपर देख रहे हैं। ये इस क्वेश्चन को मैं PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। 2009 का है लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा कि इसका लेवल क्या है। मैंने बार बार वो कहा है कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, तो देखिए इसमें स्पष्ट किया गया है कि पहला जो 20 नंबर का है वो क्या है कि आपको एक पैसेज दिया गया है यहाँ पे, मेक ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज रिड्यूसिंग इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, यहाँ पे इसको शॉर्टिंग करना है, ठीक है ना।
ये देख लीजिए, पहला क्या है आपको जो है ऐसे टाइप में वो क्या करना है कि उसको सॉर्ट करना है, वन थर्ड करना है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूँ। दूसरा देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन योर ओन वर्ड्स। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन का है, ये 2009 का पैटर्न है, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ना है जो जो पैसेज है, उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। और आगे देखिए फिर 30 नंबर का क्या है, राइट एन एसे इन अबाउट 300 वर्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको लिखना है, चार टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से किसी पर आपको लिखना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन आवर लाइफ, द मैन हु विल सक्सेस इन लाइफ इज ही हु कैन अडेप्ट हिमसेल्फ ईजली, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वॉट कैन आई डू सेव माई प्लेनेट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे राइटिंग भी है, शॉर्टनिंग है, पैसेज है, इस तरह के जो पैटर्न है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको SSC ग्रेजुएट लेवल सेंट्रल SSC है, उसके आप मेंस के पेपर देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के, तो उसी लेवल का आपको जाना होगा, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि आप किन्हीं को प्रीवियस मेंस का क्वेश्चन में नहीं मिल पाता है तो वो उस चीज़ को फॉलो करें, वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। SSC का जो CGL है, SSC का CGL है, उसका जो मेंस पेपर है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव, उसको आप फॉलो कीजिए इंग्लिश के लिए, वो आपको फ़ायदेमंद साबित रहेगा, ठीक है ना। और जिनको पटना जाकर या पटना से मंगवा कर वो मेंस का पेपर मिल जाता है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आके देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो, आपको इस तरह को भरना है, और रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, चेंजिंग वॉइस नरेशन है, सजेस्ट वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। और सातवां है, यूज द फॉलोइंग आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस ब्रिंगिंग आउट अ मीनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आइटम एंड फ्रेज से भी है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, जिसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि 100 नंबर का ये था, तो ये 2009 के पैटर्न पर था, ठीक है ना। 2009 के पैटर्न पर पटना हाईकोर्ट में इसका ये इंग्लिश का पेपर है। 2016 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो और 2020 में जब वैकेंसी आएगा तो उसका क्या रखेगा मेंस का, वो भी हम लोग को देखना होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि आपको इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा और हिंदी भी पूछा जाएगा, तो उस चीज़ को आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसको अच्छे से देख के चीज़ें क्लियर कर पाइएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर करने में सक्षम हो पाऊँगा कि एग्जामिनेशन डेट कब आएंगे, लॉकडाउन और पिछला वैकेंसी जो बैकलॉग है उसमें हाई कोर्ट जैसे ही कंप्लीट कर लेता है तो इसका निकालेगा, 1 से 2 महीना का समय लग सकता है, मे बी अक्टूबर तक, यदि कोरोना की स्थिति सही रही तब। और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको पटना कॉलेज के सामने अशोक राजपथ के दुकानों को सर्च करवाना होगा, खुद से जाकर या किसी और से, और साथ ही साथ आपको SSC CGL जो है ग्रेजुएट लेवल, उसके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के क्वेश्चन को देखना होगा। जहाँ तक हिंदी की बात की जा रही है तो उसी के लेवल के क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसी के जिस तरह से आपको पैटर्न इंग्लिश में होगा, सेम पैटर्न आपको हिंदी में ही होगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट पास करना बेहद ज़रूरी होगा PT के बाद आपको कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट पास करना बेहद ज़रूरी होगा, उसी के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। तो कुल मिला के वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट करके उसे पूछ लें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडनेस को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।